YouTube के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वेब होस्टिंग कहाँ से लें और कौन कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो। देखिए दोस्तों, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट डेवलप करने के लिए एक डोमेन लेना पड़ता है और एक वेब होस्टिंग लेना पड़ता है। तो कई बार दोनों एक ही जगह से ले सकते हो, कई बार अलग अलग से ले सकते हो और बाद में उनको कनेक्ट करें। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा एक ही जगह से ले अगर आप बिगनर हैं और अगर आप थोड़ा चीज जानते हैं इस सेक्टर के, तो अलग अलग से भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। क्योंकि कई बार डोमेन में आपको फर्स्ट यूजर पे डिस्काउंट देते हैं और होस्टिंग में कई बार देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताते हैं टॉप थ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। तो पहले नंबर पे है अपना गोडैडी। गोडैडी, ये देखिए इनका एड भी चल रहा है और ये देखिए डॉट इन दे रहे हैं ये 149 में। वो बेसिकली क्या होता है कि पहले ईयर के लिए आपको 149 देना पड़ेगा और बाद में जब आप जाएंगे तो वो 2 साल के लिए मिनिमम परचेज करना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली कुल मिला के बात वही हो जाती है। अभी जैसे 500 में डॉट कॉम दे रहे हैं। तो ये गोडेडी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट है और देख भी सकते हैं कि धोनी जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर है। और ये बहुत पुरानी है, बहुत रिलायबल है और बहुत ही ज्यादा सेफ बोल सकते हैं आप इसको। और ये बहुत आजकल ऐड भी देते हैं, दिवाली में तो इनका खूब सारा ऐड आता है। तो आप यहाँ पे होस्टिंग देख सकते हैं। मैंने खुद भी गोडेडी का सर्विस यूज करा हुआ है। ये देखिए इनका वेब होस्टिंग का जो प्लान है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। एकदम छोटी से एक वेबसाइट बनानी है तो ये 99 पर मंथ है स्टार्ट हो रहा है। अगर वर्डप्रेस में बनानी है तो भी 99 में बना सकते हो। वर्डप्रेस ई कॉमर्स होस्टिंग है वो 1139 में है। ये वू कॉमर्स एक्सटेंशन के साथ बेसिकली ये प्री इंस्टॉल्ड आएंगे, ऑलरेडी वू कॉमर्स वगैरह वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल्ड आएंगे। बिजनेस होस्टिंग इतने में, वीपीएस इतने में, डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। एक्चुअली ये सारे जितने हैं 6 दिए हुए हैं तो जो 5 है ये शेयर्ड आईपी पे होता है। बेसिकली एक ही कंप्यूटर को ये शेयर करके देते रहते हैं एक ही आईपी को। डेडिकेटेड सर्वर चाहिए आपको तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आप ही के लिए इन्होंने ये रख देंगे रिजर्व। तो उस पर कोई लोड वोड स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। इन सब में क्या होता है कि एक वेब सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा तो आपको भी दिक्कत करने लग जाएगा। तो ये आपने इसका देख लिया, इसका जो प्लान है। अभी एक बार हम 99 रुपीज वाला चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे सारे इन्होंने प्लान बना दिए हैं, बता दिए। देखिए 99 में तो ये एक वेबसाइट है, 30 GB स्टोरेज कैपेसिटी है, 256 MB रैम है, एक डेटाबेस है। बैंडविथ अनलिमिटेड है। इकोनॉमी है 199 पर। एक्चुअली स्टार्टर जो है वो इतना सिंपल है कि जस्ट एक वेबसाइट बना दो, कुछ भी एडिट वेडिट मत करो और हल्का फुल्का कुछ चेंज वेंज करना है तो करो बस। और ये वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल वो तो होता ही है आजकल सब में। दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है डिलक्स और चौथा है अल्टीमेट। ये रिकमेंडेड फॉर वर्डप्रेस है। और इन सब प्लान्स में क्या आ रहा है, एक तो इजी टू यूज कंट्रोल पैनल है, रिसोर्स और ऑन डिमांड है। इट मींस कि जैसे रैम और सीपीयू की ज्यादा जरूरत पड़ी आपके तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। 150 के आसपास फ्री एप्स हैं। इट मींस कि जैसे मैजेंटो हो गया, ओपन कार्ट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ये सारी चीजें हो जाएंगे। 1 GB डेटाबेस भी MySQL में स्टोर कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी है, वन क्लिक डोमेन नेम सेटअप है अगर आपने इनसे लिया है तो। वेबसाइट और ऐप जो भी क्रेडिट कार्ड करते हैं वो PCI कंप्लायंट होने चाहिए। बिजनेस होस्टिंग चाहिए, ये सब फलाना ठिकाना है। GoDaddy जो है ये सुपर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, यहाँ से आप ले सकते हो। इसके अंदर देखिए 399 वाले में तो बहुत सारे फीचर दिए हैं। डोमेन नेम भी देते हैं, DNS भी देते हैं, SSL सर्टिफिकेट भी देते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है,
क्योंकि मैं खुद गोडेडी की सर्विस नहीं यूज करता हूँ। हालांकि इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, पर मैं खुद अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, जो दूसरा होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, उसका बताता हूँ कि वो कौन सा है। और वो है अपना होस्टगेटर, जिसकी सर्विस मैं यूज करता हूँ, होस्टगेटर इंडिया। इनका भी बहुत बढ़िया प्लान्स है। गोडेडी से मैंने डोमेन वगैरह बुक करा है, तो वहां से आप, यहाँ से मैं बेसिकली गोडेडी का यूज करता हूँ डोमेन लेने में। और होस्टिंग जब मैं यूज करता हूँ तो मैं होस्टगेटर यूज करता हूँ। ये सेकेंड नंबर की है, इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। और अगर आप इसको यूज करेंगे ना, तो ये अगर जो जिनने यूज करा है, जैसे मैंने खुद यूज करा है, दोनों का यूज करा है, गोडेडी का भी करा है और होस्टगेटर का भी करा है, तो जो होस्टगेटर है ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीड देता है, बहुत बढ़िया स्पीड देता है। देखिए इनके अंदर ये दिया हुआ है, ये डोमेन भी बेचते हैं हालांकि, पर देखिए अब होस्टिंग एक बार देखते हैं, आपको बता देते हैं। ये आजकल क्लाउड होस्टिंग भी देते हैं। अपने को वेब होस्टिंग देखना है तो वेब होस्टिंग में देखिए तीन टाइप के हैं, एक तो लिनक्स शेयर्ड है, एक विंडोज शेयर्ड है, एक ओपन सोर्स है। बेसिकली क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा हमको, जो बैकएंड सर्वर मिलेगा, वो विंडोज बेस्ड मिलेगा या लिनक्स बेस्ड मिलेगा, ये एडवांस टॉपिक है, ये मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको। तो हम बेसिकली सभी बंदे, मतलब मोस्ट ऑफ द जो वेब डेवलपर्स हैं, लिनक्स पे जाते हैं, क्योंकि इसके कमांड्स वगैरह अपन फ्रेंडली हैं। अब चूंकि होस्टगेटर है, एक्चुअली वो इंडिया इंडिया में उनका ब्रांच है, और ये दो दो टाइप के डेटा सेंटर ये ऑपरेट करते हैं, एक यूएस बेस्ड और एक इंडिया बेस्ड। तो अगर इंडिया बेस्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, 149 से स्टार्ट है, पर इसमें आपको मिनिमम 5 साल लेना पड़ेगा 149 में। अगर आपको 1 महीने का लेना है तो 299 पर मंथ है, और अगर देखो 1 साल का लेते हैं तो 239 पर मंथ है। और सिंगल डोमेन है, 10 GB SSD देते हैं। SSD इट मीन्स जो सॉलिड स्टेट डिस्क है, ये थोड़ा स्पीड बढ़ा देती है, रीड राइट जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। 100 GB डेटा ट्रांसफर भी है इसके अंदर, 5 जो है ईमेल अकाउंट है। हैचलिंग है, हैचलिंग में इसका 1 साल का देखते हैं, 399 पर मंथ है। बेबी और बिजनेस है, जो मैंने लिया हुआ है वो तो बिजनेस लिया हुआ है, और ये 639 मैंने थोड़ा सा कम में लिया था, पर ये अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, मैं शायद 500 600 में लिया था, मैंने थोड़ा सा बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। पर इसके अंदर जो आप स्पीड देखोगे आप, तो गोडेडी और इसकी तुलना में, मैंने जो खुद का मेरा अनुभव है वो ये है कि जो होस्टगेटर है वो होस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और जब भी आप लें होस्टिंग, तो आप याद करके लीजिएगा कि यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है आप। अगर छोटी मोटी वेबसाइट तो स्टार्टर ले लेना, इस पे सिंगल डोमेन मिलता है, मतलब एक ही वेबसाइट पे, एक ही होस्टिंग पे एक ही वेबसाइट। और बिजनेस में जो मैंने लिया वो बिजनेस और बेबी प्लान्स, अगर आपको एक ही होस्टिंग पे, मतलब पैसे बचाने हैं आपको और एक ही होस्टिंग पे अलग अलग वेबसाइट डालने हैं, तो ये बेबी और बिजनेस प्लान ले लेना, यहाँ पे अनलिमिटेड डोमेन है। ट्रांसफर भी अनलिमिटेड देते हैं, अनमीटेड देते हैं, पर इसके अंदर भी थोड़ा एक वो है कि अप टू सर्टेन अनलिमिटेड होता है इनका। और आज के लिए .NET भी डोमेन दे रहे हैं होस्टिंग प्लान के साथ। तो ये है अपना होस्टगेटर, काफी सारे लोग यूज करते हैं, इवन मैं तो होस्टिंग के लिए ये यूज करता हूँ और डोमेन के लिए गोडैडी। और अपन तीसरे पे अब चलते हैं, तो तीसरा मैं बता देता हूँ कि एक है होस्टिंजर। होस्टिंजर है, होस्टिंजर ये भी बेसिकली होस्टिंग कंपनी है, ये बढ़िया होस्टिंग देती है। और इनके थोड़ा जो इनको आपका पैनल वगैरह मिलेगा, सी पैनल वगैरह मिलेगा, ये थोड़ा सा एडवांस देते हैं, मतलब एकदम अपग्रेडेड में देते हैं। वो लोग थोड़ा क्लासिक देते हैं, पर ये सारे अपग्रेडेड देते हैं। और आजकल जितने नए टूल्स हैं, जैसे जी सूट है, गिट है, क्लाउड फेयर है, ये सारी चीज इसके साथ थोड़ा इजिली हो जाती है, उनमें भी रहता है पर ये थोड़ा इजी कर देता है। अब इसका होस्टिंग प्लान चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें भी तीन चार है, वर्डप्रेस है, वीपीएस है, माइनक्राफ्ट होस्टिंग है। चलिए एक बार शेयर्ड वेब होस्टिंग पे चलते हैं अपन, जो हमें चाहिए होता है बेसिकली। मनी बैक गारंटी भी है इसके अंदर 30 डेज का। देखिए अब इसमें सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग, ये तो 59 रुपीज पर मंथ से दे रहा है।
समझो इससे चीप तो मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं अपने को। और ये एक वेबसाइट, एक ईमेल और ऑलमोस्ट ये जो है अप्रोक्स 1 लाख जो है मंथली विजिटर आ सकते हैं। मतलब इतना बैंडविड्थ ये दे देगा, एसएसएल सर्टिफिकेट भी देगा और 885 रुपये पर लाइफ टाइम वैल्यू। एक डोमेन नहीं देगा ये, ठीक है, और 1x एलोकेटेड रिसोर्स मतलब नॉर्मल है। फिर 2x इसमें दे देगा, 4x इसमें दे देगा, मतलब 4 गुना बढ़िया ये वाला है बिजनेस वेब होस्टिंग। इसके अंदर 100 वेबसाइट डाल सकते हो, 100 ईमेल अकाउंट डाल सकते हो। जबकि आप यही चीज देखेंगे इसके अंदर गोडैडी और इनमें तो ये अनलिमिटेड डोमेन दे देते हैं। इट मीन्स कि आपका होस्टिंग स्पेस एक ही रहेगा, उस पर बहुत सारे डोमेन डाल सकते हो। और वो कैसे डालते हैं तो एड ऑन डोमेन्स का ट्यूटोरियल है, वो आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो ये प्रीमियम वेब होस्टिंग है, 119 रुपये पर मंथ है, 70% ये ऑफ ऑफ तो देखो कुछ होता नहीं वैसे, पर बेसिकली क्या होता है कि सेल के टाइम में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं। ये वेब होस्टिंग आप कर सकते हैं कि इसमें एसएसडी 10 GB मिलेगा, इसमें 20 GB, इसमें 100 GB, कुल मिला के वही चीज है। InnoDB देते हैं बाय डिफॉल्ट ही, मतलब ऑपरेट MySQL इंजन, यही सब है। तीन जो है इंडिया में फेमस है और इनके आप एड्स वगैरह भी देखते रहते होंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। ये मैंने कंपैरिजन बताया है, आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताना मेरे को, फिर मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम ये भी इस हिसाब से भी वीडियो में बनाऊंगा कि डोमेन किधर से लें, कैसे लें, वो सारी चीजें। तो आपने होस्टिंग देख ही ली है, आपको जो अच्छा लगे देख लेना, या कोई तो इन तीन के अलावा भी है कोई तो वो भी देख लेना। होस्टिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये है थोड़ा सा स्पेस मिल जाए अपने को। ऐसा नहीं कि 10 फोटो डाला और फिर वो स्पेस ही फुल हो गया या बैंडविड्थ ही फुल हो गया, ट्रैफिक आने लग गया। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम वेब होस्टिंग परचेज करें। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।